Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Fawad Rao from Ulamane Ba School. Today we will start exercise 7A question number 1 part F. इस question के अंदर भी हम unknown variables को find out करेंगे. आइए चलते हैं सवाल की तरफ. देखिए ये दो arrows आपको ये indicate कर रहे हैं कि ये जो दो lines हैं ये parallel lines हैं. और ये डैश हमने यहाँ इसलिए लगाई है, डैश इस लाइन आगे इसलिए चेक की है कि ये लाइन सवाल में नहीं है लेकिन हमने अपने लिए खुद आसानी के लिए लगा ली है लाइन. तो देखिए गौर से किस तरीके से है. अब आप अगर गौर से देखें कि ये दो पैरल लाइन इस तरीके से बनती हुई आपको नजर आ रही है और ये ट्रांसवर्सल बनता हुआ नजर आ रहा है. पैरल लाइन्स के ट्रांसवर्सल कट कर रहा हो, देखिए ये दो पैरल लाइन और ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है. जो पैरल लाइन के अलोंग अंदर की तरफ जो एंगल बनते हैं वो दोनों एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल ऑन अ पैरल लाइन. ये एंगल है ए, ये है 138. तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए प्लस 138 डिग्री इक्वल्स टू 180. रीजन क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन पैरेलल लाइन इज 180 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो एंगल ए यही रहेगा 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री. एंगल ए 180 से 138 माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है 42 डिग्री. जी मैंने सबसे पहले ए फाइंड कर लिया. अगर अब मैं क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ चलूं तो अगर आप गौर से देखें कि ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है. अगर मैं इस ट्रांसवर्सल लाइन को भी एक्सटेंड कर दूं आगे की तरफ तो ये किस किस्म की आपको शेप बनती हुई नजर आएगी. देखिए ये है एंगल आपके पास बी और ये एंगल है 65 डिग्री का. अब अगर पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन करती काटती भी जाए, पैरेलल लाइन के एक इस तरफ और दूसरा एंगल इस तरफ बनने वाले दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं, इन एंगल्स को क्या कहा जाता है, ऑल्टरनेट एंगल. इन एंगल्स को क्या कहा जाता है, ऑल्टरनेट एंगल्स. तो एंगल बी इक्वल्स टू 65 डिग्री. तो रीजन है ऑल्टरनेट एंगल. क्या कहा जाता है, ऑल्टरनेट एंगल. नेक्स्ट अब हमारे पास अननोन है सी. अगर आप एक चीज को अंडरस्टैंड करें कि ये दो ट्रांसवर्सल लाइंस हैं, इस ट्रांसवर्सल ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो ट्रांसवर्सल लाइन है. अगर मैं ये लाइन ये वाली जो पैरेलल लाइन है ना हो तो डायग्राम आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगी. ये देखिए डायग्राम इस तरीके से बन रही है. ये है ए, ये है बी, ये है सी. ये आपके पास है 65 डिग्री, ये आपके पास है 42 डिग्री. ये क्या लग रहा है आपको, ये क्या चीज है? जी ये ट्रायंगल है लेकिन क्या है, अप्स एंड डाउन है. ये जो ये वाला वो नीचे की तरफ है और जो बॉटम होती है ट्रायंगल की वो ऊपर की तरफ है. तो जब ट्रायंगल ऐसा हो, आप 7 क्लास में और प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो इसका मतलब है इस सी को फाइंड आउट करने के लिए आपको अगली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री. तो क्या रीजन लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज
180 डिग्री ए की वैल्यू मालूम है आपको, ए की वैल्यू क्या है 42 डिग्री, बी की वैल्यू 65 और सी आपको कैलकुलेट करना है इक्वल्स टू 180। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एंगल सी वैसे भी बनेगा 527 और 107 इक्वल्स टू 180। एंगल सी 107 डिग्री, ये यहां प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 107, तो एंगल सी माइनस करवाएं, एंगल सी आपके पास क्या आ जाएगा 93 डिग्री। क्या आ गया 93 डिग्री। ये एक क्वेश्चन ऐसा था जिसके अंदर पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन की प्रॉपर्टीज हट के सम ऑफ ट्रायंगल वाला भी आपने प्रॉपर्टी यूज की। एक दफा रिव्यू कर लीजिए, सबसे पहले आपने दो पैरेलल लाइंस थी उनको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया ताकि आपको शेप समझ में आए। ये ट्रांसवर्सल लाइन से दोनों कोण से एंगल बन रहे थे, इंटीरियर एंगल 180 के बराबर होते, आपने सॉल्व किया, एक आंसर 42 आया। फिर आपने ये साइड ली, यहां बनने वाला एंगल और यहां बनने वाला एंगल दोनों बराबर है तो कितने का है 65 डिग्री का अल्टरनेट। फिर आपने थर्ड के अंदर क्या किया था, सी पार्ट ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन ली नहीं, जी ये नहीं ली, पैरल लाइंस ये दो पैरल लाइंस थी, ये वाली पैरल लाइन हमने हटा दी और ट्रांसवर्सल लाइन ले ली और ट्राइंगल की शेप बन गई। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 का फार्मूला लगाया और आपने इन दोनों को सॉल्व कर लिया और आंसर क्या आया 93 डिग्री। होपफुली क्लास समझ में आया होगा आपको आज का लेक्चर। इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। अल्लाह हाफिज़।